सर मैं इन्वेडर्स ऑफ जीरो को जो मैं एनिमे सीरीज का एपिसोड 8 का या पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना मैं दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मैजिकल गर्ल होती है और वो मैजिकल पावर यूज़ करके एक पत्थर को ऊपर उठाती है और वो बोलती है कि बहुत टाइम हो गया हम दोनों को ऐसे मिले हुए, यूरिका और सोडाई से रेनबो गर्ल यूरिका। और तभी वो जंप करती है और उस पत्थर को बस एक किक कर पूरा फाड़ देती है, पूरा तोड़ देती है। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें इरेज कर दूंगी। और दूसरी तरफ यूरिका सो रही हो, इधर यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूरिका अपनी क्लास प्रेसिडेंट को बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कितने बार बताऊँ, मैं कोई कॉस्प्ले वॉस्प्ले नहीं कर रही हूँ, मैं सच में रेनबो गर्ल यूरिका हूँ, मैजिकल गर्ल। ये सुनकर क्लब प्रेसिडेंट बोलते हाँ तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे करते हो बहुत आगे जाओगे। और तभी हमारा एम से पीछे से मतलब यूरिका के पीछे ही खड़ा रहता है और बोलता है कि सॉरी यूरिका हमेशा ऐसे ही करता है। और तभी यूरिका अपने एम से की तरफ देख कर बोलते साथ में ऐसा कब सब तुम तो ऐसा मत बोलो, मैं 106 रूम को इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर एक इवन मैजिकल गर्ल हमला करने वाला है। तभी हमारा एम से बोलते सॉरी इसे माफ़ कर दो। हमारा एम से ये क्लब प्रेसिडेंट को बोलते, क्लब प्रेसिडेंट बोलते कोई बात नहीं। ये बोल के क्लब प्रेसिडेंट चले आते और बोलते हैं कि यूरिका अगर हमने तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। और तभी यूरिका रोने लगती है। यूरिका बोलते किसी को क्यों यकीन नहीं होता कि मैं सच में मैजिकल गर्ल हूँ। तभी हमारा एमसी बोलते जितना मत करो यूरिका, तुम सच में काफ़ी बड़े कॉस्प्ले करते हो। और तभी पीछे से होम रूम टीचर आ जाती है अपनी क्लास स्टार्ट करने के लिए। और तभी होम रूम टीचर बोलती है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो और कोई नहीं होती, वो डार्क मैजिकल गर्ल होती है, उसकी नाम होते अकिरा माकी। और ये देख के यूरिका वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उल्टा। और यूरिका डायरेक्ट आकर माकी चैन को गले लगा लेती है और बोलते माकी चैन बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम इधर आ गए। तभी यूरिका सातवीं से मतलब उन्होंने एमसी को बोलती है कि देखो यही है वो डार्क इविल मैजिशियन गर्ल जो तुम्हारे रूम को इन्वेट करना चाहती है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है जिसका नाम है डार्क रेनबो और इसका असली नाम है नेवी। ये सब सुनता है हमारा एमसी पर चुपचाप और उधर ही सीन कट हो जाता है। फिर सीन चला जाता है लंच टाइम में जब पर हमारे एमसी और सानाया खाना खा रहे होते हैं, उसके साथ यूरिका भी होती है। और सानाया बिल्कुल यूरिका की बातों पर यकीन नहीं करती है। सानाया बोलती है सर क्या बेवकूफ़ की तरह बोलते हैं और मैजिकल कल तुम कॉस्प्ले काफ़ी अच्छा करते हो, वही करते जाओ और अच्छा हुआ तुम्हारा एक नया दोस्त भी आ गया है। तभी यूरिका बोलती है कि मॉम तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो, वो काफ़ी खतरनाक लड़की है, वो डार्क मैजिशियन गर्ल है। तभी हमारे एम सी बोलता है शांत हो जाओ सानाया, मुझे अच्छा लगता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो यूरिका। ये सुन के यूरिका काफ़ी खुश हो जाती है। तभी हमारे एम सी बोलता है मेरे रूम में एक एलियन है, एक घोस्ट है और एक अंडरग्राउंड पीपल भी है, तो फिर एक कोई नॉर्मल इंसान होता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन तुम्हारा हॉबीज भले ही कुछ स्ट्रेंज है। ये सुन के यूरिका बोलती है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। तभी हमारे एम सी बोलता है भाई अभी क्लास में वापस जाने का समय आ गया। और तभी यूरिका बोलती है कि नहीं मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है तुम रुक सकते हो लेकिन क्लास में लेट मत होना। ये बोल के हमारा एमसी सना चले जाते। तभी साइड से माकी आ जाती है। माकी बोलती है कि तो तुम मुझे उसके या फिर उसके रूम में घुसने से रुक रहे हो। ये सुनकर यूरिका बोल तो फिर हम दोनों को लड़ना ही पड़ेगा। हाँ तभी माकी बोलती है ऑफकोर्स मैं यहाँ आई हूँ किस लिए, वैसे भी वो एग्रीमेंट तो सेंचुरीज पहले पूरा हो गया। तभी माँ की बोलना कंटिन्यू करती और बोलती है कि जो वो जो चोट लगा था तुम्हारा वो सीनियर या फिर जो भी उस समय जब लड़ रही थी वो अब ठीक हो गया, इसीलिए मैं अब लोअर रैंक में आ गई और मुझे तुम जैसे फालतू लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। तभी यूरिका बोलते हैं रुक जाओ मैं कोई फालतू फालतू लोग नहीं, मैं नाना चैन की सक्सेसर होने के नाते अपनी बेस्ट दूंगी। तभी माकी बोलते वेल तुम थोड़ा बहुत तो स्मार्ट हो ही गए हो। ये सुन यूरिका का चेहरा आप लोग देख ही सकते हैं। तभी माकी बोलते तुम सभी को बोल रहे हो तुम कॉस्प्ले करते हो, उसके बाद तुम सभी को बोल रहे हो कि तुम मैजिकल गर्ल हो, और बस इतना ही नहीं जब मैं यहाँ पर ट्रांसफर हुई पहले ही और तुम आकर मेरा मतलब आइडेंटिटी रिवील कर दिए सबके सामने। तभी यूरिका बोलते नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो माकी चेहरा, मैं ये सब कुछ प्लान करके नहीं किया हूँ। तभी माकी बोलती है तो फिर तुम्हारे लिए क्या कोई दूसरा प्लान कर रहा है। ये सुन के यूरिका बार शौक हो जाते। यूरिका बोलता नहीं। तभी माकी बोलते तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और तभी माकी एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का कुछ होता है फॉर्म फिलअप करने वाला। और माकी बोलती है कि मैं भी तुम्हारा वो कॉस्प्ले सोसाइटी को क्लब को ज्वाइन करने वाली हूँ तो फिर हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। तभी ये बोल के माकी चली जाती है। यूरिका बस बैठ जाती है। यूरिका बोलते मत करो माकी चैन। तभी साइड से साकुरा सेनपाई आ जाती है। वो आकर यूरिका को बोलती है यूरिका क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो। और ये देखती है माकी साकुरा सेनपाई को, माकी स्माइल करके चली जाती है। फिर साकुरा सेनपाई और यूरिका एक कैफेटेरिया में जाते हैं जहाँ पर साकुरा सेनपाई बोलती है कि
युविका क्या है, तुम मेरी मदद कर सकती हो? सैन और मैं थोड़ा और क्लोज आ जाए तभी युविका बोले तुम दोनों तो वैसे भी बहुत ही क्लोज हो। तभी साकुर हुसैन भाई बोलते हैं कि नहीं तुम क्लोज समझ रहे हो ना। तभी युविका बोलते हाँ। तभी साकुर हुसैन भाई बोलते मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट ना करे। तभी साकुर हुसैन भाई बोलती है कि वो मैं चाहती हूँ कि सातवीं सैन तुम्हें और वो त्रिप को जैसे ट्रीट करते वैसे मुझे भी करे। तभी ये सुख युविका बोलते क्या बोल रहे हो, वो तो हम दोनों को जैसे जैसे गुस्सा मारता है और वैसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता है। तभी साकुर हुसैन भाई बोलते लेकिन वो मुझे कभी गुस्सा नहीं मारता, मेरे से कभी बदतमीज से बात भी नहीं किया है। तभी युविका बोलते लेकिन सातवीं सैन कभी कभी फिर युविका सोचती है कि हाँ कोतारू सच में काफ़ी बढ़िया बंदा है कि उसने हरकुलिस सैन को भी रखने दिया, युविका को भी अपने रूम में रहने दिया। ये सब सोच के युविका बोलते अच्छा ठीक है साकुर हुसैन मैं आपकी मदद करूँगी, मैं ये मांगा बहुत ही टाइम से पढ़ रही हूँ और वो मांगा होता है एक लड़की किसी को भी अपने पैर में फेंक सकती है। ये सुन के साकुर हुसैन फिर खुश हो जाए, साकुर हुसैन बोलते अच्छा ठीक है बहुत ही बढ़िया लेकिन मुझे अब क्या करना पड़ेगा। तभी युविका बोलती है कि तुम्हें पहले सातवीं सैन को एक डेट पे ले जाना पड़ेगा। ये सुन के साकुर हुसैन बोल डेट, और फिर सीन उधर ही कट हो जाता है। फिर सीन जाता है युविका अपने अपार्टमेंट के सामने होती है, मतलब हमारे एमसी का, वहाँ पर आकर युविका मन में सोचती है तो फिर साकुर हुसैन भाई सातवीं को लाइक करता है। लेकिन अब जब माकी चैन इधर आ गया तो मुझे लगता है मुझे उसे लड़ना ही पड़ेगा, क्या मैं ये कर पाऊंगे? लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा नाना सैन की खातिर। और तभी युरिका सैन बोलने लगती है कि युरिका फाइट ऑन, युरिका फाइट ऑन। वो अपने आप को ऐसा बोलकर मोटिवेट करती है। फिर वो जैसे उनके अंदर घुसने वाली होती है तभी वो सुनती है कि अंदर पार्टी वार्टी हो रहा है, और तभी जैसे वो अंदर आती है वो देखती है कि माकी चैन का वेलकम पार्टी कर रहा होता है हमारा एमसी और बाकी सभी। ये देख के युरिका काफ़ी गुस्सा हो जाती है और तभी माकी चैन बोलती है वेलकम बैक युरिका चैन। तभी युरिका बोलती है माकी इधर क्या करे, मैंने कहा था ना कि ये इस रूम के पीछे पड़ा है। और तभी युरिका बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है अगर वो यहाँ पर ही रहे तो फिर उसको उस सभी डेटा मिल जाएगा जो वो चाहती है। लेकिन उसका बात कोई भी यकीन नहीं करता, बोलते वो तुम्हारा कॉस्टप्ले दोस्त है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है, दोस्ती से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तभी युरिका काफ़ी गुस्सा होकर हमारे एमसी की तरफ देखने लगती है, और तभी युरिका और हमारा एमसी साइड में आता है रूम के। तब हमारे एमसी बोलता है कि क्या हुआ युरिका, कोई कोई प्रॉब्लम है? वो युरिका बोलने ही वाली होते लेकिन तभी सामने से मिकान जी आ जाता है, और मिकान जी हमारे एमसी को जबरदस्ती पकड़ के रूम के अंदर ले जाता है और वो कुछ खाना वाना आता है। लेकिन उस खाने के ऊपर वो जो हरक्यूलिस चैन वाला जो बीटल है ना, बीटल का जो एनिमी देख रहा था पिछले ही एपिसोड में, वो वाला एनिमी का पिक्चर लगा हुआ रहता है। और ये देख के रोज काफ़ी गुस्सा रहता है, रोज डायरेक्ट जाकर उस खाने के ऊपर मारती है, हमला करती है, और हमारे एमसी रोज को पकड़ लेता है। जैसे जैसे रोज को रोकने की कोशिश कर रहा होता तभी युरिका बोलते है सातवीं सैन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तभी हमारे एमसी मिकान जी को बोलता है अरे यार उस खाने को हटा, और मिकान जी हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो उल्टा और भी ज़्यादा फैल जाता है और रोज और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और दूसरी तरफ युरिका बोलती है जल्दी से माकी को इस रूम से बाहर निकालो नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी ये सब सुनकर सारा बोलते अच्छा ठीक है आज तो दोस्त बन जाओ कल एनिमे एनिमे खेल लेना। और थोड़ी भी बोलते हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तभी लैंडलेडी बोलते हैं अरे यार हम लोग इन मज़े करने बैठे ये सब क्या बोल रहे हो यार, तुम इतना ही बुरा मत बोलो। मतलब ओवरऑल कोई भी युरिका को बिलीव नहीं करता, हमारा एमसी बस इकलौता है जो थोड़ा बहुत युरिका को बिलीव करता है, और साकुर हुसैन भाई। तभी युरिका बोलते अच्छा ठीक है कोई मुझे बिलीव क्यों नहीं करता, ये बोल के युरिका रोते रोते रूम से ही बाहर चली जाती है। तभी साना बोलते युरिका, लेकिन युरिका रोकते नहीं, युरिका चली जाती है। हमारे एमसी भी रोकने की कोशिश करता है युरिका, लेकिन वो अपने दोनों हाथ से रूत को बस जैसे जैसे रोके हुए रखता है। और फिर सीन चला जाता है साकुर हुसैन की तरफ, जहाँ पर साकुर हुसैन बाहर से आ रही होती है और वो सोचती है कि एक डेट में आना है, एक असली डेट में, लेकिन मैं ये क्या कर पाऊंगी। तभी साकुर हुसैन के सामने युरिका बैठी रहती है, और साकुर हुसैन पे युरिका के पास जाती है। युरिका बोलती है कि मैं सभी को सच बोल रहा हूँ लेकिन कोई भी मुझे भरोसा नहीं करता। तभी साकुर हुसैन भाई बोलते हैं लेकिन तुम फिर भी अपने दोस्तों को बचाना चाहती हो, और युरिका रो भी रही होती है। तभी साकुर हुसैन भाई बोलती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, अगर वो तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करना चाहता है तो फिर तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए ताकि वो तुम्हारे ऊपर यकीन करे, और सिर्फ बोल बोल के नहीं एक्शन के साथ, मतलब कुछ करो फिजिकली भी। ये सुन के युरिका बोलती है एक्शन के साथ से मुँह से नहीं बोल के, माकी चैन भी इधर है शायद मैं ये कर सकती हूँ। तभी साकुर हुसैन पर बोलते बहुत ही बढ़िया, वैसे मुझे तो पता नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है लेकिन गुड लक। तभी युरिका भी बहुत ही खुश हो जाती है, मोटिवेट फील करती है। और इधर ही यार एपिसोड 8 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है, नेक्स्ट बार नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा यार। तो हाँ यार अगर वीडियो पसंद आया तो यार जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, टिल देन बाय सी या।